नाज़रीन, मैं मलिक जहांज़ेब आपको वेलकम करता हूं गेट टू इन्फो चैनल के ऊपर। बहुत अरसे से हमने डॉक्यूमेंट्रीज़ की कोई वीडियो नहीं बनाई थी और मेरे व्यूवर जो हैं वो बहुत ख्वाहिश कर रहे थे कि हमें आपकी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखनी है। तो आज मैंने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया है और मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम सैर कर रहे हैं दरियाए चनाब की और ये मुल्तान के मज़ाफ़ात में ही वाक़ है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ हैं, ये मेरे से लेफ़्ट हैंड पे खड़े हैं अब्दुलरहमान, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मुगीस और अब्दुल्ला, और कैमरामैन हमारे साथ आज हमारे माविया मेरे साथ हैं। पहले रिजवान होते हैं लेकिन आप इसकी कंपनी को भी आज एंजॉय करेंगे। तो हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं चनाब पार्क के ऊपर, लेकिन एक बैड न्यूज़ हमें यहाँ पहुँचते ही मिली है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक कोविड की वजह से ये पार्क जो है वो सील कर दिया गया है, तो ये बंद है। मज़ीद भी मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं पार्क की सैर करने के लिए, लेकिन सबको ये बैड न्यूज़ पहुँचते मिल रही है। कुछ वापस रिटर्न जा रहे हैं, कुछ बाहर ही इंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग इनसे भी बात करेंगे कि इनके क्या मौक़िफ़ हैं यहाँ आके, ये न्यूज़ सुन के इनके क्या तासुरात हैं। तो इनसे भी हम पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खैरुल्लाह खान। खान साहब, आप यहाँ के मकामी हैं? नहीं, हम मुल्तान शहर से आए हैं। अच्छा, तो आगे पार्क बंग देख के आपको क्या तासुरात मिले? बस अफसोस हुआ, बहुत दूर से आए थे, मेहमान लेके आए थे, हमने कहा कुछ सैर कर लेंगे, लेकिन बस अफसोस ही हुआ। तो ये घोड़े और ये ऊँट वगैरह की सैर में से किसी एक चीज़ की आपने सैर की है? नहीं, अभी करेंगे घोड़े की, अरतगल गाजी की तरह। जी, अब यहाँ पर जितने भी आए हैं अरतुगरुल गाजी के कंसेप्ट को लेके, वो यहाँ पर घोड़े की जो सवारी वो करना चाहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक जी खान साहब। थैंक यू। दोना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये घोड़े की सैर करनी है आपने? नहीं तो नहीं करनी। क्यों? वैसे नहीं करनी। झूले वाला कब आएगा? झूले वाला तो पता नहीं कब आएगा। अच्छा हाँ, ये बच्चे आ गए हैं जो छोटे। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर 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 चलो, इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा, सलाम करो, इधर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसा लगा आपको घोड़े की सैर करके? अच्छा लगा। डर तो नहीं लगा? नहीं। सामने ले आओ मैं कैमरा। आपका क्या नाम है बेटा? अनम। अनम, अनम आपको घोड़े की सैर करके कैसा लगा? एना फातिमा, पूरा नाम बताओ ना। एना फातिमा। एना फातिमा, आपको घोड़े की सैर करके कैसा लगा? अच्छा लगा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? वन। वन क्लास में। तो पार्क तो बंद है, तो आपको एंजॉय कर रही हैं अभी आप? चलें जी, माशाल्लाह। कहाँ से आई हैं आप? मुल्तान से। ये जी प्यारे प्यारे बच्चे, पार्क आके बंद है लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पार्क बंद है के बच्चों के तासुरात क्या थे? बच्चे काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि हमने पार्क में जाना है, छुट्टियाँ हैं ना, इसलिए। तो घर में भी बोर हो रहे थे, तो अब लेके आए तो इधर आके पता चला पार्क बंद है, तो हमें तो पहले आइडिया नहीं था। पार्क खुला होना चाहिए SOPs के साथ। SOPs के साथ बिल्कुल खुला होना चाहिए, मास्क वगैरह लगे होने चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर पार्क खुला है, बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ सैर करने के लिए, लेकिन पार्क बंद देख के वापस जा रहे हैं। देखे वापस जा रहे हैं ऐसे ही है। चलें, बेस्ट ऑफ लक। बाहर भी कुछ जगहें हैं जो इन्जॉय करने वाली हैं, बच्चों को इन्जॉय करवाएं जी। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह। प्यारे मेरे उस्ताद मोहतरम, घोड़े पर की सैर करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अपने सफर मंजिल की तरफ रवाना होने लगे, और हमारे क्लास फेलो अब्दुल्ला,
जो कि शाह जी के नाम से मशहूर भी है। तू जा 200 रुपये दे उसे मेरे। छा गए सर जी, छा गए। उसको देख जैनब इकबाल। जैनब इकबाल, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? आपने सैर किया घोड़े की? अच्छा, अभी आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वाजिद अली। वाजिद अली, आपकी बेटी है माशाल्लाह? नहीं, मेरी अपना सिस्टर की है। अच्छा, सिस्टर की है। तो बच्चे आगे पार्क बंद देख के ये उदास तो नहीं हो गए? उदास ही हो गए, वो इसलिए तो बोल नहीं रही। 40 किलोमीटर करके आए तो जाहिर बात उदास ही है। उदास ही है। चले बाहर ये घोड़े वगैरह की सैर कराएं, इंशाल्लाह ये एंजॉय करेंगे। चले ठीक है, देखते हैं हम। या तो उनको न्यूज़ में देना चाहिए कि पार्क बंद है सब। खोलने चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो। आज छुट्टी है ना, इतवार वाले दिन तो, संडे वाले दिन तो होना चाहिए ना जी। SOPs अगर अमल दरामद करें आवाम तो ज़रूर खोलना चाहिए। मास्क वगैरह लगे हों तो बिल्कुल खोलना चाहिए। क्या कहेंगे? ज़ाहिर खोलना चाहिए, जो नहीं लगाता उनको बाहर निकालता, यही है फिर। वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। चलें, बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू जी। हमारे साथ यहाँ पर एक और मेहमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? इमरान शाहिद। इमरान, आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से। आप लाहौर से आए हैं जी। पहले हमने एक जो शख्स का इंटरव्यू किया था वो कराची से आए थे, और ये जो साहब हैं ये लाहौर से आए हैं। तो आगे पार्क बंद देख के आपके क्या तासुरात हैं? फीलिंग बैड। हर चेहरे पर जो है वो सैडनेस है, सैडनेस ही सैडनेस है। बच्चे भी यहाँ पर उदास हैं। हम आए हैं यहाँ पर लाहौर से, आए मुल्तान देखने के लिए हैं, पर इधर आए हैं तो पार्क बंद है, तो उधर ही बैठ के हम वीडियो वगैरह कर रहे हैं। पर लग तो बुरा ही रह गया, या इतनी दूर से आए हैं तो पार्क यहाँ पर बंद है। तो यहाँ पर ये घोड़े की सैर, कुछ बाहर भी ऐसे मकामात हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं, तो आपने सैर किया घोड़े की, ऊँट की वगैरह? नहीं नहीं, अभी कर रहे हैं क्योंकि वो भाई आ रहे हैं तो बड़े। अच्छा। वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। चले, हम गेट टू इन्फो चैनल की तरफ से इनको वेलकम करते हैं मुल्तान में, और बेस्ट ऑफर भी हैं। तो मेरी ऑडियंस आपका सॉन्ग सुनना चाहेगी इमरान। ज़रूर जी, ज़रूर। तो स्टार्ट करें। भाई के नाम पे कुछ लाइंस हैं। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा। बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। नाइस लाइन्स। तो अगर ऑडियंस आपको ढूंढना चाहे, आपकी आवाज़, आपके सॉन्ग्स को, तो कैसे ढूंढ सकते हैं? मेरा टिकटॉक चैनल है, टिकटॉक आईडी है इट्स मानी ऑफिशियल के नाम से। तो आप कुछ भी सुनना चाहें तो आप वो ज़रूर लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह वहाँ पर आपको मज़े मज़े के गाने सुनाएंगे हम। तो यंगस्टर्स को ज़रूर जो है आपने टिकटॉक पे फॉलो करना है, लाइक भी करना है। तो हमारे एक पैगाम मैं देना चाहूँगा सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, कि हमारे लाहौर क्या है, पूरे पाकिस्तान में बहुत बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। तो उसको चाहिए कि जैसे इंडिया अपने टैलेंट को प्रमोट कर रहा है, हमारे इंडिया के साथ कुछ नहीं पर हमें अच्छा लगता है वो अपने टैलेंट को प्रमोट कर रहा है, वैसे ही पाकिस्तान भी कोई ऐसा प्रोग्राम निकाले जहाँ पर वो टैलेंट को प्रमोट कर सके। क्योंकि बहुत से लोग गाना चाहते हैं पर किस वजह से कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है। गाने का शौक हर एक है पर पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर सिर्फ पैसा चलता है, आवाज़ नहीं चलती। तो मेरी बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ करें सिंगर्स के लिए भी। चलें जी, आप हमारे चैनल के तवस्सुस से इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे तक ज़रूर पहुंचेगी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जज़ाकअल्लाह। ये आपके साथ ही हैं? हाँ जी, ये मेरे साथ हैं, कज़न है मेरे।
लाहौर से आए हुए हैं। अच्छा, छुट्टियाँ हुई हुई थी, छुट्टियाँ गुजारने के लिए। तो आप मुल्तान के रिहायशी? हाँ जी, मैं मुल्तान अंदरून शहर के। मुल्तान अंदरून शहर। तो इन्हें घुमाएं, तो इनके जो उदासपन है इनको ख़त्म करें। बस ये घुमाने के लिए आए हैं, लेकिन आगे पार्क ही बंद है बड़ा। बस फिर यहीं पे खड़े होकर इंजॉय कर रहे हैं। और भी बड़ी जगह है, इंशाल्लाह इंजॉय करें। इंशाल्लाह इंजॉय करा। जज़ाक कर। बच्चे आपका क्या नाम है बताओ? आपका क्या नाम है बेटा? आंसा। आंसा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। अ लिटिल बिट एंजॉय कर रहे हैं आप यहाँ पे? यस। तो घोड़े की सैर की है? नहीं। इरादा है सैर करने का? नहीं नहीं, अभी कराएंगे इन्हें, अभी कैमल के भी घोड़े की। चलें, जज़ाकअल्लाह जी। बेस्ट। खान साहब मौजूद हैं जी, क्या नाम है आपका? जमाल खान। जमाल खान, आगे पार्क को बंद देख के आपके क्या तासरात हैं? सर, हमारा तो माइंड था, घर से निकले थे, छुट्टी थी, हमने कहा चलो बाहर जाके इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन इतनी दूर से मैं, अब पार्क भी बंद है, ज़रा गुस्सा भी आ रहा है। हालात आपके सामने है, जैसे कोरोना की वजह से पार्क बंद किया हुआ है, लेकिन अभी जाना पड़ेगा वापसी। आप यहाँ के मकामी हैं? जी जी, मकामी हैं। आप यहाँ पढ़ते हैं? जी जी, स्टडी करते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो सभी गम और गुस्से का इजहार करें जितने भी आज यहाँ पर सैर करने के लिए आए थे। कोई इतला नहीं, ऐसे अचानक से बंद कर दिया गया, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आए हैं। तो आपने यहाँ बाहर पार्क से बाहर इंजॉय किया? पार्क से बाहर थोड़ी सी सेल्फियाँ बनाई है पुल पर, लेकिन अभी यहाँ के पता लगे पार्क बंद है। तो ये घोड़े या ऊँट वगैरह की सैर वगैरह की है? जी जी बिल्कुल की है। वो कैसा लगे आपको? बस सही है, गुजारा हुआ है। बस जो मिल रहा है उसे एंजॉय करें फिर। हाँ, खान साहब बस जो मिल रहा है, अब जाहिर है इतनी सफ़र करके एंजॉय तो करके जाना है। चलें जी, हमारी नेक तमन्ना इनके साथ हैं कि ये यहाँ पर इतनी दूर से आएँ तो कुछ ना कुछ एंजॉय करके जाएं। तो ये मुल्तान शहर से हैं? जी जी, मुल्तान शहर से। मुल्तान शहर के रिहायशी यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं सैर करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ और लोगों से भी हम इंटरव्यूज़ वगैरह लेंगे। मेरा नाम शुएब है। शुएब, पहली बार आए यहाँ पे? जी जी, पहली बार आए। अच्छा, तो कैसा लगा आगे चनाब पार्क बंद देख के? वैसे तो अच्छा लग रहा है, पर बंद हुआ सिंध से आया हूँ मैं घूमने के लिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इन्होंने बंद कर रखा है। अच्छा, सिंध से आए आप? जी, सिंध से आया हूँ। सिंध में किस जगह पे रहते हैं? मैं सिंध में कराची में। कराची के लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन आगे बंद देख के और बहुत ही उदास हैं ये। तो ये बाहर जिस जगह पर आप इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर इंजॉय करना अच्छा लग रहा है? बस थोड़ा थोड़ा, बस ये घोड़े हैं ऊँट हैं, इनसे इंजॉय हो रहा है, वरना बिल्कुल इतना मज़ा नहीं आ रहा खास। अच्छा, तो आप पढ़ते हैं? जी जी, स्टूडेंट कौन से? जी, इंटर। इंटर के स्टूडेंट हैं। चलें जी, हम वेलकम करते हैं कराची के मेहमान को मुल्तान में गेट टू इन्फो चैनल की तरफ से। तो इंजॉय कीजिए जी, बाहर अंदर तो चांस नहीं मिला, बाहर इंजॉय करें। जी जी जी। ये साथ एक और नौजवान है, आपका क्या नाम है बच्चे? एहसान। एहसान, आप भी स्टूडेंट हैं? जी। आप क्या कहेंगे पार्क आके बंद देख के, आपके दिल पे क्या बीती? बहुत दुख हुआ हमें। यहाँ हम दोस्त को लेके आए, अपने कज़न को। अच्छा। अब वहाँ आगे पार्क बंद हो तो हम क्या कर सकते हैं? आप यहीं के रिहायशी हैं? जी, मुल्तान, ये इधर। अच्छा। अपना रशीदाबाद। अच्छा अच्छा, आप मुल्तान के रिहायशी हैं। चलें, और भी काफ़ी जगह हैं, आप इनको घुमाएं फिराएं। हाँ। और ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम मज़ीद इंटरव्यू लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेरा स्टूडेंट माविया। तो माविया से पूछते हैं, हाँ माविया, कैसा लगा घोड़े की सैर करके? बहुत अच्छा लगा। और ऊँट की सैर करके? उसका भी बहुत अच्छा लगा। दोनों में से किसका अच्छा लगा ज़्यादा? सैर अच्छी लगी है, घोड़े की सैर अच्छी लगी है। इसे घोड़े की सैर बहुत अच्छी लगती है, मेरा बड़ा लाडला स्टूडेंट है माविया। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुगीज़। मुगीज़ से पूछते हैं, मुगीज़ आपको घोड़े की सैर अच्छी लगी या ऊँट की? सर, दोनों की अच्छी लगी, सबसे ज्यादा ऊंट की लगी, ज्यादा अच्छी लगी, ऊंट की ज्यादा अच्छी लगी। यस सर। आपको तो ऊंट, आपके घोड़े ने तो भगा दिया आपको, हैं? इस तरह घोड़े ने डरा दिया था हमें। ये इसका घोड़ा अचानक से जो है वो तेज रफ्तार से भागने लगा था, जिसकी वजह से अब्दुल्ला बहुत डर गया था। तो हमारे साथ यहाँ पर और भी मेहमान जी हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, आपको कैसा लगा सैर करके? बहुत ही मज़ा आया है, अंदर जाने से अच्छा, हमें बाहर ही बहुत मज़ा है। घोड़े की सैर भी की और ऊँट की भी, इतना मज़ा आया कि दिल ही खुश हो गया है, हमारे आने का और कोई नहीं था इस तरह का। तो घोड़े की सैर करके अच्छा लगा या ऊँट की सैर करके अच्छा लगा? दोनों को ज़्यादा घोड़े की अच्छा करके लगा है। तो गाइस, जब आप लोग कभी यहाँ पर चक्कर लगे तो पहले आपने घोड़े की सैर करनी है। ये दरियाए चनाब, अभी तक जो हमने सैर की थी वो चनाब पार्क की थी, वो तो बंद था, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आके फिर इसे एंजॉय कर रहे हैं। दरियाए चनाब, बड़े एक्साइटेड हैं यहाँ पे लोग। पानी कम आ रहा है चनाब का, दरियाए चनाब का। ये यहाँ से मुजफ्फरगढ़ में शिफ्ट होता है दरिया। हाँ, सेल्फीज ली जा रही हैं, ये अब्दुलरहमान सेल्फीज ले रहे हैं, मुगीज़ सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी मोमेंट।
ये चनाब पार्क था साथ में जो हम अभी जिसकी सैर आपको करवा रहे थे, लेकिन ये बदकिस्मती से क्लोज था आज, तो हम यहाँ पे अंदर जो है वो जा नहीं सके। दुर्मान एक दो मछलियाँ पकड़ के ले आई हो, शाम को फ्राई करेंगे किसी ऐसी जगह पे। ये ऊपर चढ़ने की कोशिश, हाँ कैसे जोड़ोगे आप ऊपर? सर ये इधर हाथ रखेंगे, इधर से ऐसे हम ऊपर आ गए। ये अब अब्दुलरहमान ऊपर आने की कोशिश में, इसकी ब्रेक वहीं भी लग गई। हेलो अरे क्या शाका एज के छ दिन एज तो है हाइट। आगे की तरफ हम चलते हैं, यहाँ पर ऊंट वगैरह की सैर जो है वो होती है। ये फैमिलीज जो हैं ये पहुँचते ही इनको ये न्यूज़ मिल रही हैं कि यहाँ जो है वो क्लोज है, इनको वापस जाना पड़ेगा, तो ये वापस जा रहे हैं यहाँ से। ये अब्दुलरहमान जो है ये इंजॉय कर रहा है घोड़े पे। हाँ जी अब्दुलरहमान, क्या तासुरात हैं तेरे? अब्दुलरहमान तुझे कैसा फील हो रहा है घोड़े पे चढ़ के? कैसा फील हो रहा है अब्दुलरहमान? मूवीज कह रहा है घोड़े पे चढ़ के तुझे कैसा महसूस हो रहा है यार? ओए तस्वीरें बना, ए वीडियो बन रही है, ये कम है। तू अपने ख्यालात के इजहार करी दे। माविया घोड़े पे, माविया आप सुने घोड़े पे चढ़ के आपको कैसा फील हो रहा है? बैठो बैठो ना, हमने बैठना है साथ साथ जाना, बैठो बैठो मैं खुद भगाऊंगा। चलिए भगाओ, बैठो बैठो यार। मैं को के साथ ऊंट की सवारी हो रही है। मुगीस घोड़े पे बैठते हुए, घोड़ा घोड़िए बहुत से लोग अपने जिस ज़हनी तौर पे तस्कीन हासिल करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। और ये मुल्तान शहर से 25 किलोमीटर दूर एक पुरसकून जगह है, और यहाँ पर आकर दिमागी तौर पे इंसान बहुत जो है वो रिलैक्स फील करता है। ये अब्दुलरहमान सैर करके आ रहा है। अब्दुलरहमान, हाँ अब्दुलरहमान,